अज़ीज़ मसीह हो मैं फादर आर्नल्ड हूँ और मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ मैं आज की अंजील जो कि लुका की अंजील का सतरवा बाब पाँचवीं आयत से दसवीं आयत तक ली गई है उस पर रोशनी डालूँगा मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों लुका की अंजील का सतरवा बाब यसु मसीह की विभिन्न हिदायत पर मुश्तमिल है रसूलों का यसू से अर्ज़ करना कि हमारा ईमान बढ़ा उसे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि उनके ये अल्फाज अगली हिदायत से वाबस्ता है उस हिदायत में यसु ने कहा अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत करे अगर तोबा करे तो उसे मुआफ़ करे और अगर वो दिन में सात बार गुनाह करे और सात बार तेरे पास आकर कहे कि मैं तोबा करता हूँ तो उसे मुआफ़ कर ये हिदायत रसूलों को बहुत भारी लगा क्योंकि मूसफी कानून के मुताबिक तीन बार तक मुआफ़ करना ज़रूरी है इसलिए यह हिदायत रसूलों के लिए हैरान कन था और जवाब में रसूलों ने यसू से कहा कि हमारा ईमान बढ़ा इस पर यसु ने एक और हैरत अंगेज वजाहत की अगर तुम राय के दाने के बराबर ईमान रखते और तुम इस शहतूत से कहते कि जड़ से उखड़ कर में जा लग तो तुम्हारी मानता अजीज मसीहो ये मिसाल आरामी जुबान का तर्ज बयान का तरीका है कि मुबालगा आराई से सुनने वालों को चौंका दे और इस तरह उनकी पूरी तवज्जो हासिल करे मैं नहीं समझता हूं कि वाकई यसु एक ऐसा मोज़ा कर सकता था इस मिसाल से यसु अपने रसूलों को समझाना चाहता था कि बहुत ज़्यादा ईमान की ज़रूरत नहीं है कि किसी बंदे को बार बार मुआफ़ करे बल्कि सिर्फ़ राय के दाने के बराबर खुदाई कैफियत होनी चाहिए खुदाई कैफियत होनी चाहिए ताकि नामुमकिन मुमकन बना दे अजीज मसीहो दूसरी मिसाल और हिदायत एक अदना मज़दूर से मुतालिक है दिन भर की मेहनत मशक्कत के बाद वो अपने मालिक का खाना तैयार करता है और उसकी ख़दमत में चौकन्ना रहता है इस खिदमत गुजारी के बाद ही वो अपना खाना खाता है उसे जरा भी तो नहीं के मालिक उसे शुक्रिया कहे बल्कि वो सोचता है कि मैं एक निकम्मा गुलाम हूँ जो करना मुझ पर वाजिब था वही किया इस मिसाल से यसु अपने रसूलों को समझाना चाहा कि अपनी ख़िदमत अंजाम देने पर कभी ना समझें कि उन्होंने किसी पर एहसान किया और के लोग उन्हें शुक्रिया कहें तुम भी कहो कि हम निकम्मे गुलाम हैं जो करना हम पर वाजिब था वही किया मसीहो, मैं यसु के दोनों मिसालें और हिदायत मिया बीवी की अज्दबाजी जिंदगी से मुजना करना चाहता हूं निकाह के मौके पर दोनों फरीक एक दूसरे से वादा करते हैं के खा अच्छा या बुरा वक्त हो तंदुरुस्ती या बीमारी हो वो ताहयात एक दूसरे के वफादार रहेंगे यानी वो वाजे करते हैं कि वो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि वो अपने अपने शैतूत के दरख्तों को खुद गर्जी और अनापरस्ती की जमीन से उखाड़ कर अपने आप को प्यार के समुंदर में लगाएंगे अजदवाजी जिंदगी में मियाँ बीवी खुशी के लमात और जरूर दुख मुसीबत और चुपकलिश के लम्हा के सामना करते हैं जो अंसर इन मुश्किल के वक्त उन्हें बरकरार रखता है वो निकाह का वादा है कि हम हारत हर हालत में एक दूसरे से वफ़ादार रहेंगे इस वादे को निभाने के लिए ना मियाँ ना बीवी समझते हैं कि हम अपने शरीक हयात पर मेहरबान हैं और के और उसे शुक्रगुजार होना चाहिए बल्कि दोनों यही समझते हैं कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसे प्यार के वादे को के उस प्यार के वादे को निभाऊं दोनों यही समझते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी और फर्ज है कि मैं उस प्यार के वादे को निभाऊं। दोनों यही समझते हैं कि जो कुछ वो एक दूसरे के लिए करते हैं वो अपने शरीक हयात पर कोई एहसान नहीं करते हैं बल्कि वो अपने वादे की तामील कर रहे हैं और वो यीशु के अल्फाज की अक्सी करते हैं कि हम निकम्मे गुलाम हैं जो हमें करना वाजिब था वही किया अजीज भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों यीशु की हिदायत है कि जितनी बार कोई भी अपने गुनाह के लिए मुआफी मांगे उसे मुआफ करे अफसोस की बात है कि हमारे दरमियान ऐसे मसीही हैं जो किसी शख्स के एक बार गुनाह करने पर मुआफ करने के लिए तैयार नहीं है पर वो रोज़मर ज़िंदगी में खिदमत गुजार लोग हैं और साथ ही साथ बड़ी अकीदत के साथ दुआए रब्बानी पढ़ते हैं जिसमें वो भी हमारी तरह पढ़ते हैं हमारे कसूरों को मुआफ़ कर जिस तरह हम दूसरों के कसूरों को मुआफ़ करते हैं ऐसे लोगों के लिए खुदावन यसु की तरफ क्या हिदायत होगी हजीस मसीहो, खुदा करे कि हम मसीहों का प्यार और वफादारी गो राय के दाने के बराबर क्यों ना हो उस प्यार में उतनी तवानाई और जोर पाई जाए कि हम अपने अपने शहतूत के दरख्तों को जो खुद गर्जी और अनापरस्सी की ज़मीन में जमे हुए हैं उसे उखाड़ कर प्यार के समुंदर में लगाएं। आमीन